नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजन सोनी, होमोपैथ एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने बात की थी ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा है, सर ल्यूकोडर्मा और विटिलोगो में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ल्यूकोडर्मा और विटिलोगो के डिफरेंस के बारे में और जानेंगे इस दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, बात की जाए ल्यूकोडर्मा के बारे में तो ल्यूको एक ग्रीक शब्द है जिसका मीनिंग होता है वाइट और डर्मा मीन्स स्किन, तो दोनों को मिला के हो गया ल्यूकोडर्मा। हमारी स्किन में कहीं पर भी किसी कारण से भी सफ़ेद दाग होने को हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। ये दोस्तों एक स्किन डिसीज़ है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाती है। सिर्फ इससे पेशेंट सोशली और मेंटली डिप्रेस्ड होता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में रहने लगता है और उसे लगता है कि मैं किस गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया हूँ। दोस्तों, बात की जाए ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के बारे में तो ये चाहे सन रेस के कारण हुए हों या विटामिन डी की डिफिशेंसी के कारण हुआ हो या किसी इन्फेक्शन के कारण हुआ हो या हाइपर पिगमेंटेशन के कारण हो, यदि हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई वाइट पेचेज हो रहा है तो वो ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग कहलाएगा। दोस्तों, बात की जाए विटिलिगो के बारे में तो विटिलिगो में हमारे शरीर में मल्टीपल पेजेस यानी बहुत सारे दाग होते हैं जो कि स्किन में मेलानिनोसाइट के मेलानिन प्रोडक्शन के कमी और विटामिन डी की कमी के कारण हो सकते हैं। दोस्तों, हमारी स्किन में पाए जाने वाले मेलानिनोसाइट्स जब मेलानिन का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं और हमारी स्किन में मेलानिन की कमी के कारण हाइपर पिगमेंटेशन होने लगता है और वो वाइट पेजेस मल्टीपल रूप में होने लगते हैं तो हम इसको विटिलिगो कहते हैं। विटिलिगो एक हेरिडिटरी डिसीज़ है जो स्ट्रेस, थायराइड या डायबिटीज़ और विटामिन डी की डिफिशेंसी के कारण हो सकता है। दोस्तों, बच्चों में पाए जाने वाले वाइट पेचेस टीनिया इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं, जिनको हम विटिलिगो भी कह सकते हैं। दोस्तों, विटिलिगो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोकलाइज और जनरलाइज। लोकलाइज जो पेचेस होंगे वो हमारे बॉडी के एक साइड होंगे, लेफ्ट भी हो सकते हैं, राइट भी हो सकते हैं। और दूसरा हुआ जनरलाइज पैचेस, जो हमारी ऑल ओवर द बॉडी कहीं पर भी हो सकते हैं, मल्टीपल पैचेस ऑल ओवर द बॉडी, जिससे हम पता कर सकते हैं ये हमारे विटिलिगो हैं या ल्यूकोडर्मा है। दोस्तों, विटिलिगो के पैचेस में हमारे हेयर भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बालों के आसपास यदि वाइट पैचेस हो रहा है तो उसमें हमारे बाल भी वाइट होंगे, और यदि ल्यूकोडर्मा है तो हमारी सिर्फ स्किन पैचेस ही वाइट होंगे, बाल ब्लैक ही रहेंगे। इससे भी हम पता कर सकते हैं ये ल्यूकोडर्मा है या विटिलिगो है। दोस्तों, विटिलिगो एक नॉन कंटीन्यूअस डिसीज़ है जो छूने और साथ में खाना खाने से नहीं फैलती है, इसलिए हमारे आसपास यदि कोई पेशेंट विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा से ग्रसित है तो उससे छुआछूत ना करें और उसे सहानुभूति दें कि ये उसकी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे उसे परेशान होना पड़े और उसे मेंटली और सोशली स्ट्रॉन्ग बनाए। दोस्तों, विटिलिगो को डायग्नोस करने के लिए हम ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, इसमें थायराइड और डायबिटीज के कारण भी हम विटिलिगो हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जिंक और कॉपर टेस्ट का डिफिशियंसी भी विटिलिगो को आइडेंटिफाई आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, विटिलिगो को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर इसके वाइट पैचेस आसानी से पहचाने जा सकते हैं। जैसा कि देखते हैं कि ये हमारे आइज़ के अराउंड, ये हमारा ग्लेबियल रीजन होता है, यहाँ पर यदि वाइट पैचेस हो रहे हैं आपके तो ये विटिलिगो हो सकते हैं। इसी के साथ ये हमारे नेजल फोल्ड होते हैं, नेजोलेबियल फोल्ड कहलाते हैं, इसके आसपास या लिप्स के आसपास होने वाले वाइट पैचेस को हम विटिलिगो कहते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे कि विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा में क्या अंतर है। दोस्तों, इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अभी भी यदि आपके सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।